हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इससे जस्ट पिछले वाले वीडियो में बात की थी कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, जो कि आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए, तो ज्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में बन जाएगी। ओके, तो वो डिटेल वीडियो था, ये थोड़ा शॉर्ट वीडियो होने वाला है। देखिए, इसमें करना क्या है कि गैल्वेनोमीटर को आपको वोल्टमीटर में तब्दील करना है, यानी कि चेंज करना है। आपको ये कैसे करना है ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, बेसिक्स वाले क्वेश्चंस पहले पूछे जाएंगे, सो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस से। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो गैल्वेनोमीटर वगैरह क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ये सब कुछ मैंने, गैल्वेनोमीटर कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारा का सारा मैटर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। ओके, तो आई होप आप वहां से ग्रिप कर लीजिएगा, ज्यादा देख लीजिएगा, बाकी फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखिए, जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है और एक्यूरेट होता है। ये मेजर करता है या डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि एक करंट कैरिंग कॉयल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड होती है। इस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, एक बल आघूर्ण लगता है जिससे ये डिफ्लेक्ट होती है, और जितना ज्यादा आपके पास टॉर्क होगा, यानी कि जितना ज्यादा आपके पास करंट होगा, उतनी ही ज्यादा तरीके से ये रोटेट करेगी और आपके पास डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा। इस प्रिंसिपल पर ये वर्क करती है। ओके, और बाकी गैल्वेनोमीटर्स की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे पाइवेटेड गैल्वेनोमीटर, बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर एंड डेड बीट गैल्वेनोमीटर, इन सब के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो यानी कि G2A यानी गैल्वेनोमीटर टू एमीटर में बात कर ली है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How a galvanometer is converted into a voltmeter? कैसे आप galvanometer को voltmeter में convert कर सकते हैं? देखिए, उस वीडियो में हमने बताया था कि parallelly connect कर galvanometer से एक resistance, उसको ammeter में तब्दील कर दिया जाता है। इसी टाइप से इसमें क्या करेंगे, इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे resistance को, और यहाँ पर जो resistance होगा वो हाई resistance होगा। वहां पर लो resistance हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर जो resistance यूज करेंगे वो हाई resistance यूज करेंगे। ओके, तो जो गैल्वेनोमीटर होगा अपना, वो अब तब्दील हो चुका होगा वोल्टमीटर के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर। देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है आइडियल वोल्टमीटर का, वो इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है, इसीलिए देखिए, आपको अगर ध्यान हो पोटेंशियोमीटर के वीडियो में, जो वाइवा के क्वेश्चंस में बनाया हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियोमीटर में 10 मीटर लंबी वो लेते हैं, वायर लेते हैं, वो 10 मीटर लंबी वायर लेने का जस्ट यही रीजन है कि वोल्टमीटर का जो आइडियल जो वोल्टमीटर होता है, जितना अच्छा वोल्टमीटर होगा वो उतना ज्यादा अच्छा उसका रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा उसका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए वो इतना लंबा वायर ले लेते हैं। जो कि आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी R बराबर रो एल ऑन ए, जिसमें कि अगर लेंथ ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ओके, तो इसलिए ज्यादा लंबी रेजिस्टेंस, ज्यादा लंबी उसके अंदर आप वायर लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वोल्टमीटर के अंदर इनफाइनाइट लेते हैं पोटेंशियोमीटर में, बताओ क्यों, तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ अ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किस तरीके से वोल्टमीटर इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्टेड रहता है। देखिए, जो वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो हमेशा पैरेलली कनेक्ट रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलली ही कनेक्ट क्यों रहता है। तो इसका आंसर होगा, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, दो ही पॉइंट का उसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हेंस इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि आपको मान लीजिए इस ए टू बी पॉइंट का ही वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आपको बस इन दोनों के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट कर दीजिए, तो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच वोल्टेज पता लग जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अनदर अपैरेटस इज यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टमीटर। देखिए, उसके अंदर जो कैलिब्रेशन के लिए यूज हुआ था वो पोटेंशियोमीटर यूज हुआ था। ओके, और यहां पर भी हम जो यूज करेंगे वोल्टमीटर इज कैलिब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ कैलिब्रेशन ऑफ वोल्टेज एंड वोल्टेज एरर। आपको कैलिब्रेशन का ग्राफ प्लॉट करना है, किस तरीके से कैलिब्रेशन का ग्राफ आता है। देखिए, जो ग्राफ दिख रहा है, इस तरीके से कैलिब्रेशन का ग्राफ हमको मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपने हाई रेजिस्टेंस लगाया गैल्वेनोमीटर के सीरीज के अंदर, उसे क्या कहते हैं। देखिए, उसे शंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंट क्या होता है।
देखिए जो शंट होता है वो गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर एक जीवन रक्षा कवच होता है, ठीक है, जीवन रक्षा कवच होता है एक तरीके से। वो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर को आंधी तूफान यानी कि एक तरीके से मैं कहूं कि वोल्टेज ज्यादा आ जाए या करंट ज्यादा आ जाए उससे बचाने का काम करता है, कौन, शंट, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एमीटर और वोल्टमीटर, क्या डिफरेंस होता है वोल्टमीटर और एमीटर में। देखिए बेसिक से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, अपन को वो बेसिक चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, तो देखते हैं इसके चार पांच डिफरेंस। जो वोल्टमीटर और एमीटर, ये मैं कॉलम बना रहा हूं एक, एमीटर के अंदर इट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जो वोल्टमीटर होता है इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, एमीटर के अंदर इट्स रेजिस्टेंस इज लो एंड इट्स रेजिस्टेंस इज हाई। एमीटर के अंदर इट इज मेड बाय कनेक्टिंग अ शंट इन पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर और इसमें सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर। लेकिन जो रेजिस्टेंस होगा वो हाई रेजिस्टेंस होगा और इसमें लो रेजिस्टेंस रहता है। नाउ एमीटर के अंदर इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सीरीज इन द सर्किट और इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन द पैरेलल इन अ सर्किट। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कीजिए। ओके, अगर इस वीडियो में आपको जरा भी कुछ अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच।